वीज़ा फ़ोटो एडिट करने का फुल ट्यूटोरियल किस तरीके से वीज़ा फ़ोटो एडिट होती है यूएसए की। चलिए ये हमारा एडोब CS3 आ गया है, इसमें मैंने फ़ोटो ओपन कर ली है। फ़ोटो ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले साइज़ देखते हैं। साइज़ यहाँ मेंशन करना होगा 2 इंच बाई 2 इंच, जो कि यूएसए का वीज़ा फ़ोटो का साइज़ होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। रेजुलेशन 300 रहेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद क्या होगा, मुझे इसमें देखना पड़ेगा 80% फेस का। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके मैंने क्रॉप कर लिया है। इसके बाद मैं कंट्रोल टी से इसको कंपोज करूँगा। मुझे 80% फेस चाहिए वीज़ा के रिकॉर्डिंग जो भी होता है। ठीक है, ये मेरा हल्का सा साइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल साइज हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम एडिट करेंगे पीछे का बैकग्राउंड, जो कि अभी मेरा प्रॉपर ग्रीन बैकग्राउंड है, अब मुझे करना वाइट बैकग्राउंड। तो सबसे पहले एक जो शॉर्टकट टूल आता है वो आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल से मैंने देखिए क्रिएट किया हुआ है। अब इसको मैं जब वाइट करूँगा तो इसमें हल्का सा ये शो होगा, इसमें दूर से दिखेगा कि हाँ ये बैकग्राउंड एडिट किया गया है। ठीक है, ये देखिए बाल के ऊपर ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है। अब इसमें जब दूसरा टूल है वो है पेन टूल। अब पेन टूल से मैं एडिट करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैंने इसको जूम किया हुआ है और यहाँ मैं गया पेन टूल पे। पेन टूल से ये फ़ोटो को मैंने यहाँ पर इसको कट करना चालू कर दिया, यहाँ से बैकग्राउंड को। इसको आपने रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। बैकग्राउंड को बिल्कुल कट करना है और जो सब्जेक्ट है उसको बाहर निकालना है आपको। सब्जेक्ट में क्या है, हमारा एक फ़ोटोग्राफ है। वैसे कोशिश करिए कि आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको वाइट में ही फ़ोटो क्लिक करिए, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं होता इन केस, तो मैं वो आपको एडिट करने का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ये इस तरीके से जो है मैंने, ये देखिए हल्का सा रॉन्ग हो गया, फिर मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के लिए विंडो में एक हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके आप बैक कर सकते हैं। और बाकी मैंने शॉर्टकट यूज करा है, Ctrl Z अंडू करा है मैंने। और ये देखिए यहाँ से मैंने कट करा हुआ है। और ये कट करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पर जोड़, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो वहीं मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन ले लिया 1.2, इसमें मैंने फिल कर दिया है और मैंने ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा तो ये मेरा जो पहले का बैकग्राउंड है वाइट, देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया था वाइट बैकग्राउंड, वो मेरा आ गया है। ये देखिए अब कहीं पर भी ग्रीन बैकग्राउंड इसमें नहीं दिख रहा। हल्का सा मैंने कर्व Ctrl M, जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो Ctrl M है, उससे मैंने लाइट वाला, ये है आपका कलर बैलेंस, ये Ctrl B से होता है। हल्का सा मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ले, जब भी आपका फोटो उसके रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। Ctrl M, Ctrl B, Ctrl L का पूरा यूज टूल है, ब्रश टूल से इसको मैं एडिट करता हूँ थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा पसीना पसीना आ जाता है। इस फ़ोटो में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इस फ़ोटो को और भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसमें विदाउट एडिटिंग फ़ोटो मांगते हैं।